शिवपुरी में शादीशुदा प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा। पति को छोड़ अपने प्रेमी के साथ शादी करने कोर्ट पहुंची। शिवपुरी की महिला को परिजनों ने पकड़ा, मौके से भागा प्रेमी। शिवपुरी जिला न्यायालय में अपने प्रेमी के साथ शादी करने पहुंची शादीशुदा महिला के मायके वालों ने खलल डाल दिया। न्यायालय के बाहर महिला के मायके वालों को देख महिला का प्रेमी उसे छोड़कर मौके से भाग खड़ा हुआ। इसके बावजूद महिला अपने पति और भाई के साथ जाने को राजी नहीं हुई। सड़क पर हो रहे हंगामे को देख न्यायालय में तैनात पुलिसकर्मी ने मौके पर निर्भया मोबाइल बुलाकर सभी को कोतवाली भेज दिया। जानकारी के मुताबिक श्योपुर जिले की कराल थाना क्षेत्र की रहने वाली 21 साल की विवाहिता सरोज जाटव 3 रोज पूर्व अपनी ससुराल से लापता हो गई थी। सरोज जाटव की कराल थाने में गुमशुदगी भी है। सरोज की शादी 2 साल पहले रमेश जाटव से हुई थी। बताया जाता है कि सरोज जाटव शिवपुरी जिले पोहरी तहसील क्षेत्र के खोरघर के रहने वाले चंदन जाटव से प्रेम प्रसंग था। वह 3 दिन पहले चंदन जाटव के साथ अपनी ससुराल कराहल से भाग आई थी। इसी क्रम में आज सरोज जाटव अपने प्रेमी चंदन जाटव के साथ शादी करने जिला न्यायालय पहुंची थी। दोनों के स्टाम्प पर लिखा पड़ी होती इससे पहले सरोज जाटव का भाई और पिता जिला न्यायालय पहुंच गए। यहां न्यायालय के बाहर सड़क पर हंगामा हुआ। हंगामे को देख चंदन जाटव मौके से सरोज को छोड़ भाग खड़ा हुआ। हंगामे की सूचना के बाद जिला न्यायालय में तैनात पुलिसकर्मी ने तत्काल निर्भया मोबाइल को बुलाकर सभी को कोतवाली भिजवा दिया। इस मामले में कराहल थाना प्रभारी महाराज सिंह बघेल का कहना है कि महिला की गुमशुदगी दर्ज है। शिवपुरी पुलिस से बात हुई है। महिला को कराहल थाने लाने के बाद उसके बयान लिए जाएंगे। बयानों के आधार पर कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा।